दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि पीले दांत है या दांतों में दर्द है या कीड़ा है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक उपाय है, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है और आपको भी लाभ मिल सकता है। तो वीडियो अंत तक देखे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों दो उपाय मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूँ। पहला जो उपाय है इसमें हम यूज करेंगे नमक, बेकिंग पाउडर और लेमन। तो दोस्तों क्या करने का है, थोड़ा सा नमक लेने का है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लेने का है सेम क्वांटिटी में, और उसमें लेमन का जो जूस है वो डालने का है। लेमन का जूस जब तक डाले तब ये पेस्ट नहीं बनता है, तो अच्छी तरह से पेस्ट बनाएगा और ब्रश के ऊपर ये इस पेस्ट लगाने के बाद आप हल्के से 4 या 5 मिनट तक ब्रश कीजिएगा। तो इससे पूरी तरह से जो दांतों का पीलापन है, कीड़ है, वो पूरी तरह से निकल जाती है और आपको पीलापन से पूरी तरह से मिजाज मिलती है और आपके दांत बहुत ही अच्छी तरह से चमकते हैं। दूसरा जो उपाय है इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं फिटकरी, सॉल्ट, टर्मरिक और चारकोल पाउडर। तो दोस्तों ये भी जबरदस्त है, इसमें लेमन का भी इस्तेमाल करना है। तो क्या करने का है, सेम क्वांटिटी में फिटकरी का पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक और चारकोल पाउडर, ये चारों मिक्स करने की है और इसके ऊपर लेमन का जूस डालने का है। अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के बाद ब्रश के माध्यम से दांतों के ऊपर 4 या 5 मिनट तक इसे ब्रश करने का है और उसके बाद मुंह को साफ कर लेने का है। तो 7 दिन में एक बार ये दोनों उपाय करने के हैं। ये जो मैंने उपाय बताया है ये 7 दिन में एक बार, और ये जो उपाय है वो है 7 दिन में एक बार, तो आप आएंगे बहुत ही खूबसूरत सफेद दांत। उसी के अलावा यदि आपके दांतों में दर्द है, मसूड़े में दर्द है या दांतों में कीटाणु का इन्फेक्शन है, वो भी पूरी तरह से चला जाता है और आपके दांतों की लाइफ भी इससे बढ़ती है। तो जरूर ये उपाय कीजिएगा। यदि आपको कैसा वीडियो लगा है वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों धन्यवाद।